हेलो एवरीवन गाइस, मेरे चैनल पर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, ये चीज तो आपको पता ही होगी। नहीं लेकिन कुछ समय से क्या हुआ, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं और मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि आपके इतने सब्सक्राइबर्स है, 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स है, फिर भी आपकी वीडियोस पर व्यूज इतने कम क्यों आ रहे हैं। गजब बेइज्जती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, क्यों मेरी वीडियोस पर कम व्यूज आ रहे हैं, आखिर की मैं इसका क्या कारण है, मैंने क्या गलतियां की जिसकी वजह से ये मुझे आज नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपके भी कुछ काम आने वाली है, क्योंकि जो मैंने गलतियां की आप बिल्कुल मत करना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो गाइस, बात करूं मैं सबसे पहली गलती की, तो मैंने क्या किया, अपने चैनल पे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की। मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करता था। मैं क्या करता था, जैसे आज अपलोड कर दिया, फिर मैं नहीं अपलोड करता था, फिर 6 महीने बाद में अपलोड करता, फिर 3 महीने बाद में, फिर साल भर बाद में, इस तरीके से वीडियो अपलोड करता था मैं। वीडियो अपलोड कंटिन्यूसली अपलोड नहीं की मैंने, वीडियो अपने चैनल पर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की। तो एक ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से मेरी वीडियोस पर व्यूज नहीं आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ठीक है, अब मैं बात करूं दूसरे कारण की। तो दूसरे कारण की बात करूं, देखो मैं पहले क्या करता था, हाउ टू वाली वीडियोस बनाता था कि ये चीज कैसे कर सकते हैं, मोबाइल से रिलेटेड वीडियो बनाता था। तो वो मेरे उनमें से क्या हुआ, कुछ वीडियो वायरल हो गई और उनसे सब्सक्राइबर्स मेरे ज्यादा बढ़ गए। तो अब क्या हुआ, मैं YouTube टिप्स वगैरह देने लग गया कि YouTube में आप किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अब क्या हुआ, जो मेरे हाउ टू वाले ऑडियंस है, हाउ टू वाले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको मेरी YouTube टिप्स से कोई लेना देना नहीं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका YouTube चैनल ही नहीं है, तो वो मेरी वीडियोस को क्यों देखेंगे। तो ये चीज है गाइस, ये गलती की मैंने, कि मैंने पहले चैनल पे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की, फिर क्या मैंने नीच को चेंज कर दिया, पहले हाउ टू वाली वीडियोस, फिर मैं YouTube टिप्स वगैरह देने लग गया। तो ये दो कारण हैं बड़े जिनकी वजह से मेरी वीडियोस पर व्यूज नहीं आते हैं। तो गाइस, आप भी यदि स्टार्टिंग कर रहे हैं चैनल पे, यदि चैनल वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो आप पहली चीज है आप चैनल पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, और दूसरी चीज है कि यदि आपके व्यूज कम है, आपके ऑडियंस यदि आपके सब्सक्राइबर्स कम है, तो आप नीच को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आपके सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाए, चैनल ग्रो हो जाए, तब आप अपने नीच को चेंज करते हैं, तो आप फिर से जीरो से आपको स्टार्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो आपके सब्सक्राइबर्स अलग कैटेगरी के थे और आप अलग कैटेगरी के वीडियो बना रहे हो, तो उससे क्या होगा कि उनकी कोई मतलब की वीडियो नहीं है। जैसे कि अब हाउ टू वाली वीडियोस मैं बनाता था, उनको मेरी यूट्यूब टिप्स से कोई लेना देना नहीं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये चीज है, ये कारण था जिसकी वजह से मेरी वीडियोस पर व्यूज नहीं आते हैं। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि हम इस टाइप की यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।